राहुल गांधी ने गिनती करके कहा था 10 दिन में कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब तक 11 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे। विरोधाभास देखिए, राहुल ढिंढोरा पीटते हैं कर्जा माफ, कमलनाथ मोबाइल मैसेज भेजते हैं कि किसान भाई आचार संहिता लग गई है, तेरे आवेदन का विचार नहीं हो सकता, लोकसभा चुनाव के बाद देखेंगे। वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि माफ नहीं हुआ, चुनाव के बाद देखेंगे। पहले टाइम काट दिया, लाल नीले गुलाबी रंग रंग के फॉर्म छपा दिए, सरकार ने रंग बदला, कर्जा माफी का आता पता नहीं है। सर आप मत कर रहे, 48,000 करोड़ का कर्जा, बजट प्रावधान 5,000 करोड़, बैंकों को दिए 1,300 करोड़, पैसा ना देला भोजपुर का मेला। बजट में प्रावधान ही नहीं किया और कह रहे कर्जा माफ। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े झूठेले हैं, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, रोज झूठ बोल रहा है। संबल योजना बंद कर दी, हालत यह है कि गरीबों का इलाज नहीं हो रहा, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, मामा तो 200 करके गया था, अब 6,000, एक बोला मामा 9,000। अरे ये तो छोड़ दो, गरीब बहनों को 4,000 रुपया जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद देते थे, वो पैसा भी मिलना बंद हो गया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले और बाद में। बच्चों की फीस से नहीं बढ़ाई, एक्सीडेंट में डेथ होती थी तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, कफन के पैसे भी छीन लिए सरकार ने 5,000 रुपया। आज क्या हाल है मध्यप्रदेश, बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता मिला कोई को आज तक? अब कह रहे हैं नए रोजगार, ढोर चराओ, बैंड बजाओ, बंदर नचाओ, रीच पकड़ लाओ, अभी रोजगार मिल रहा है। नौजवान ठगा हुआ सा महसूस कर रहा, विकास के काम ठप, उद्योग एक चल रहा है तबादला उद्योग, थोक में सबके सब बदल डालेंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। सवेरे भोपाल से सीहोर ट्रांसफर, दोपहर में सीहोर से आष्टा, शाम को आष्टा से देवास, रात को देवास से उज्जैन, जाओ बेटा। तो ये खेल बिना लेनदेन के नहीं चल रहा। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां हर चीज बिकती है, व्यापक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए सरकार। 100 दिन में ही रंग उतर गया, कलई खुल गई, सच सामने आ गया। आज मध्यप्रदेश तबाही की ओर, बर्बादी की ओर है, हम इस लूट को बैठे हुए नहीं देख सकते। ऐसे बरामद हो रहे हैं, रुपए पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के खिलाफ, जो धोखा हुआ है हमारे साथ, जनता के साथ, उसके खिलाफ आज धरना है। मैं कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं, लड़ेंगे, हम चुप नहीं रह सकते, हम बैठ नहीं सकते, संघर्ष प्रारंभ हुआ है। क्योंकि मुझे आज, मैंने पहले ही बताया, महाराष्ट्र की सभाओं को संबोधित करना है, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, हर जोर जुर्म की टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में।
बहुत धन्यवाद देवराज भाई।